जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सु गुरुवे नमः, ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्परचिनम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सु गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा पर्व पर दी जाने वाली दीक्षा के बहुत से नियम हैं देवराधा ट्रस्ट के द्वारा, जो इन नियमों का पालन एक साल से कर रहा हो वही व्यक्ति गुरु दीक्षा लेने के लिए योग्य है, अन्य व्यक्तियों को गुरु दीक्षा नहीं दी जाएगी। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि गुरु के माध्यम से गुरु मंत्र बोल करके आप अपनी समस्या हल हो जाएगी या फिर आपकी कष्टों का निवारण हो जाएगा या फिर आपकी समृद्धि हो जाएगी या आपका मकान नहीं बन रहा तो मकान बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गुरु केवल आध्यात्मिक उन्नति करता है, आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। आपको जो हमारे नियम है, सार्वभौमिक नियम हिंदू सनातन धर्म के जो संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यता है, उनका पालन करना करोगे तो गुरु दीक्षा का वास्तविक रूप से आप फल प्राप्त कर पाओगे। और भी जो नियम है वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप पहले इन नियमों को अच्छे से सुन ले। रूल्स फॉर गुरु दीक्षा। 1. Staying away from meat, liquor, eggs, beer, that is, do not consume them. They do not want to eat or drink. 2. Stay away from a foreign woman, a man, and away from the man. The woman has to stay away. 3. While a woman's menstrual cycle, do not eat food prepared by the woman's hand. Do not drink water and do not eat food from the house where the rules of menstruation are not followed. 4. Putting 5% of your earnings in the account of the trust every month. Guru Diksha will be given only if you can follow these rules. Their resolution is taken by standing in the river. If a disciple does not follow these rules, after taking initiation, he himself will be responsible for the sufferings. इस प्रकार से ये गुरु दीक्षा के इंग्लिश में नियम हैं। इन नियमों के बारे में पहले भी हिंदी में भी बताया जा चुका है कि जो भी ये नियम का पालन करता है, नियम का मतलब हो गया मांस का सेवन नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना, अंडे नहीं खाना, बियर कभी सेवन नहीं करना, अल्कोहल से दूर रहना, इनको जीवन में भविष्य में कभी भी खाना पीना नहीं है। अपनी स्त्री विवाहिता स्त्री को छोड़कर के अन्य स्त्री के साथ आपको संपर्क नहीं रखना है, शारीरिक संपर्क, और स्त्री है तो पराए पुरुष से दूर रहना है। घर में स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना है किसी भी घर में। तो जहां भी जाए वहां पर पहले आप पूछें कि क्या आपके यहाँ पे इन नियमों का पालन होता है या नहीं होता है। यदि वो बोल दे कि हमारे यहाँ इस पीरियड की अवस्था में नियमों का पालन नहीं होता, हम तो सब बना के खाते पीते हैं, तो फिर उस जगह का पानी भी नहीं पियोगे, खाना भी नहीं खाओगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और उस घर में आपको कंबल पर ही सोना है, गादी पर नहीं सोना, अंत वो भी अशुद्ध होता है, ताकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कहीं जाए नहीं। जिस घर में मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं होता उस घर में कोई भी चीज खाना पीना नहीं आपको, और आप अपनी इस जिंदगी को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जितनी कमाई करते हो उसका 5% हिस्सा आपको देवराधा ट्रस्ट के खाते में प्रति माह डालना होगा। जो नहीं डालते हैं उनको हम गुरु दीक्षा नहीं देते, और यह पहले से एक साल पहले से ही आपको यह कार्यक्रम चालू रखना होगा। इन नियम का पालन कर सके जीवन भर तो ही गुरु दीक्षा दी जाएगी। संकल्प, ये वाला जो संकल्प है जो हमने बोले हैं सब नियम, ये सब जल में खड़े होना पड़ता है,
नदी में खड़े होना पड़ता है, नाभि नाभि तक आपको शरीर को डुबाना होगा और उसमें खड़े होकर के जल में जल उठा करके नदी में खड़े खड़े ही संकल्प लिया जाता है। यदि कोई शिष्य इन नियमों का पालन नहीं करता है, संकल्प तोड़ता है, तो उसको गुरु दोष की प्राप्ति होती है और गुरु दोष लगने पर शायद ईश्वर भी माफ नहीं करता है। इसलिए गुरु दीक्षा लें तो बड़ी सावधानी से लें, जिंदगी भर नियम का पालन कर सके तो ही लें, अन्यथा नहीं लें। जय माता दी।